हिंदू परंपरा जितनी अनूठी है उससे भी ज्यादा अनूठे हैं इनके मंदिर जो अपने आप में सबसे अलग हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उन मंदिरों के बारे में जिन्हें एक बार देखने पर आप बस देखते ही रह जाएंगे। एकांबरेश्वर मंदिर तमिलनाडु। देवादिदेव महादेव का ये मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में स्थित है। ये मंदिर पंचभूत स्थल में से एक है जिसे पृथ्वी का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान शिव का ये मंदिर 23 एकड़ एरिया में फैला हुआ है जो 59 फीट ऊंचा है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में इतिहासकारों का मानना है कि इसे 650 ईस्वी में चोल साम्राज्य के राजाओं ने बनवाया था। इसकी सबसे खास बात ये है कि मार्च और अप्रैल के महीने में सूरज की रोशनी सीधे एकांबरेश्वर शिवलिंग के मस्तक पर पड़ जाती है जिससे ये शिवलिंग देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगता है। तो वही सजावट के लिए मंदिर के अंदर की दीवारों को 1008 शिवलिंग से सजाया गया है। राजगोपाल स्वामी मंदिर तमिलनाडु। इस मंदिर में भगवान श्री विष्णु के स्वरूप राजगोपाल स्वामी जी की पूजा की जाती है। 23 एकड़ में फैले इस मंदिर के मुख्य खंभों की ऊंचाई 156 फीट है यानी कि कुतुब मीनार की दुगनी ऊंचाई से भी ज्यादा। हिंदू धर्म के लोग इसे साउथ इंडिया की द्वारका के नाम से भी जानते हैं। 1158 फीट लंबी और 837 फीट चौड़ा ये मंदिर इंडिया के कुछ प्रमुख वैष्णव मंदिरों में से एक है। अन्नामलायर टेम्पल तमिलनाडु। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई में स्थित इस मंदिर को दुनिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में से एक माना जाता है। 25 एकड़ में फैला ये मंदिर पंचभूतों में से एक है इसलिए मंदिर को पंचभूतों में से एक अग्नि का प्रतीक माना जाता है और शायद यही वजह है कि इस मंदिर के मुख्य शिवलिंग को अग्नि लिंग भी कहा जाता है। अन्नमलयर मंदिर को अरुणाचलेश्वर भी कहा जाता है जिसे हिंदू समाज भगवान शिव का ही एक रूप मानते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव के अलावा देवी पार्वती की भी पूजा की जाती है और उन्हें मुलायमन के नाम से जाना जाता है। मंदिर कॉम्प्लेक्स में कई हॉल और चार बड़े बड़े गेट भी हैं, जिसमें सबसे लंबे गेट की ऊंचाई 217 फीट है। इसके अलावा इस मंदिर में विजयनगर के राजा कृष्णदेव रॉय द्वारा बनाए गए 1000 खंभे आज भी लगे हुए हैं, जो इस मंदिर की सुंदरता को दुगनी करते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि मंदिर के बाहरी दीवारों पर भगवान शिव की अलग अलग अवस्थाओं की कई मूर्तियों से इसे सजाया गया है। बृहदीश्वरा मंदिर तंजोर। 1000 साल पुराना भगवान शिव को समर्पित साउथ इंडिया का ये मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ये मंदिर द्रविड़ आर्किटेक्चर मॉडल का सबसे बेहतरीन नमूना है जिसे चोल साम्राज्य के राजाओं ने बनाया था। 130,000 टन ग्रेनाइट के इस्तेमाल से बने इस मंदिर की हाइट 216 फीट है। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां ना तो कोई पहाड़ है और ना ही कोई चट्टान, और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में इस्तेमाल हुए बड़े बड़े ग्रेनाइट को हाथियों की मदद से मंदिर के ऊपर तक पहुंचाया गया था। इस मंदिर में एक और चीज है जो इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है, वो है भगवान शिव के नंदी की मूर्ति जिसकी ऊंचाई 13 फीट है और इसे सिर्फ एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है जो अपने आप में ही एक अजूबा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 25 एकड़ में फैला ये मंदिर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दोस्तों वीडियो तो यही खत्म हो रही है लेकिन मेरे मंदिर की लिस्ट नहीं, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और ढेर सारे वर्ल्ड फेमस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या चर्च की वीडियो लाऊं तो उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा।